हेलो हेलो जी, जी सर, प्रणाम नमस्कार। सर। मैं गिरिराज सिंह बोल रहा हूँ, DLED 2019 बैच से। हाँ जी, हाँ सर, अभी DM कार्यालय से कॉल गया होगा आपके पास। बताओ। सर, ये परीक्षा हमारी कराइए जल्दी। लड़के बहुत मानसिक प्रताड़ना से गुजर रहे हैं। तुम लोग एकदम हमेशा प्रताड़ना में रहते हो, रहोगे, जिंदगी भर रहोगे। जो स्थिति तुम लोग की, जो सर जब समय से होगी अपनी परीक्षा की, अपने मन से हो जाएगी। तो तुम लोग जब सर चाहोगे तब होगी। नहीं कब तो सर समय तो 6 फरवरी को ही हो रहा पूरा है? हो गया ना कंप्लीट सर। कंप्लीट कंप्लीट कब हो रहा है बताओ। 6 फरवरी को ही थर्ड सेमेस्टर कंप्लीट हो गया है सर। अच्छा, प्रमोट कब हुए हो? प्रमोट सर सेकंड सेमेस्टर में प्रमोट कब हुए हो? प्रमोट कब हुए हैं इस डेट से चलता तो फिर BEd का थर्ड नहीं, सेमेस्टर के एग्जाम थोड़ी ना हो जाता। आप जब थर्ड सेमेस्टर में आएंगे तब तो होगा। फर्स्ट सेमेस्टर से सेकंड सेमेस्टर में प्रमोट कब हुए, हम ये पूछ रहे हैं तुमसे। सर फर्स्ट सेमेस्टर से सेकंड सेमेस्टर में हम कोरोना टाइम में प्रमोट हुए हैं। कोरोना टाइम में नहीं आप प्रमोट हुए हैं, आप लोग प्रमोट हुए हैं अक्टूबर में। तो सर अक्टूबर में जब शासन प्रमोट करने का जब भी आदेश दे सर सेशन और उतने नियम क्या है? नियम क्या है? नियम पहले बताओ। सर नियम तो यही है ना कि सेशन जितने टाइम में नेतागिरी कर रहे हो, नेता तो बन रहे हो। 6 महीने का एक सेमेस्टर होता है, एक सेमेस्टर आपका प्रमोट कर दिया जी सर। गया और 6 महीना पूरा हुआ तुम्हारा। सर 6 महीने थर्ड सेमेस्टर में 6 महीने पूरे हो गए, मुझे ये बता दो नहीं बस। सर, जो जब टाइम से नहीं कराया जाएगा तो 6 महीना हमारा कभी नहीं पूरा हो पाएगा इस तरह से। तो सर तुम्हारे ही तरह से जो 18 बैच वाले आज घूम रहे हैं, तुम्हारे ही तरह से थे। नहीं जिनको तो सर नहीं पता परीक्षा में अठारह बैठना बैच वाले चाहिए घूम रहे हैं, था। उनका केवल रिजल्ट का मतलब मैटर है, हमारा तो रिजल्ट पूरे। का नहीं है, इसी वजह से रिजल्ट देर हो रहा है। इंटर्नशिप तो कंप्लीट है नहीं उनकी, परीक्षा में तो जबरदस्ती घुस घुस गए। इंटर्नशिप कब होगी सर पूरी? इंटर्नशिप तो सेकंड सेमेस्टर की भी एग्जाम के बाद ही हुई है ना। इंटर्नशिप से सर मतलब किसकी? थोड़ी ना होता है। जो नहीं होता है, नंबर नहीं मिलेगा तो कहां से रिजल्ट घोषित हो नहीं जाएगा? तो सर रिजल्ट नहीं आपका घोषित। बता दे, आपके तमाम साथी लोग भी आए थे, उनको मैं बता चुका हूँ मई में होगी परीक्षा आपकी। सर मई में ही हम परीक्षा कराने को कह रहे हैं, हम थोड़ी ना अप्रैल में तब परीक्षा कराने को कह रहे तब कहाँ जा हैं। रहे हो तुम लोग? घूम रहे लेकिन हो, सर शासन हमारी तक हो डेट रहा सिटिया तो आप जारी कर दीजिए। है। ऐसा है, तुम्हारे जी कहने से डेट शीट जारी हो जाएगी? 2 महीने पहले डेट शीट जारी कर देंगे? सर, कभी जारी जब हुई है आज तक? मई प्रथम सप्ताह में देखिए सर, अगर आप मई प्रथम में सप्ताह में कहाँ हो जाएगा? प्रथम सप्ताह में नहीं होगा तो सर पूरे महीने मई में चलेगा बोर्ड एग्जाम, तो फिर आप मई में भी नहीं करा पाएंगे इस तरह। तो बोर्ड एग्जाम जब चलेगा तो समझ में ही होगा, बोर्ड एग्जाम के बाद ही मई में हो गए तो सर परीक्षा। बोर्ड एग्जाम के आपके सेंटर पहले भी होंगे तो हो खाली, सकते। होंगे तब तो हो नहीं सर, पाए। बोर्ड एग्जाम के पहले भी तो सेंटर खाली हैं। कहाँ खाली है 2 मई जरा को बता दे। चुनाव का रिजल्ट आ जाएगा सर। अब दो मई बोर्ड को रिजल्ट नहीं आ जाएगा, 2 मई को काउंटिंग होगी। 2 मई को काउंटिंग होगी तो सर काउंटिंग के बाद ही तो तुरंत रिजल्ट आ जाता है। काउंटिंग के 10 दिन बाद रिजल्ट थोड़ी ना आता है। आदमी हो कि इस दुनिया में रहते हो कि बाहर हो इस दुनिया से? सर नहीं, जरा तो ये बताओ कि काउंटिंग कैसे हो रही है? ईवीएम लगा है इसमें कि मत पत्रों से होगी? सर मत पत्रों से होगी तो उसमें तो कोई तो एक दिन में रिजल्ट आ जाता है उसका? सर सेंटर थोड़ी ना बिजी रहेंगे। अरे आदमी नहीं बिजी रहेंगे, काउंटिंग में जाएंगे नहीं, ड्यूटी नहीं लगेगी, कहाँ से आदमी आ जाएंगे? सर काउंटिंग में सर कर्मचारियों की या तो इतनी कमी है कि मतलब एक छोटा सा DLED का एग्जाम नहीं कराया जा सकता छोटा सा है डीएलएड का एग्जाम, है सर। बिल्कुल छोटा एग्जाम छोट होता है। सर 1.5 लाख बच्चों का एग्जाम कराना छोटा एग्जाम सर है? BEd का इतने बड़े बड़े पूरे बैच का एग्जाम हो जाता है वो सर कैसे हो जाता है, और PNP केवल DLED का कराती है सर, नहीं करा पाती। हम नहीं करा पाते, वो समझ लो। ठीक है, नहीं सर आपका समझना मई में नहीं। नहीं होगा, मैंने बता दिया है, मई में होगा, आप परेशान मत होइए। तो मई में ही हमको सर ये इस उलझन में नहीं जीना ना, हमको बैठ के पढ़ना है कि हम अपनी पढ़ाई करें। तो आप पढ़िए, किसने मना कर रखा? हम आपको 4 महीने पहले डेट दे देंगे, आप उलझन में नहीं रहेंगे तब? 4 महीने पहले हम डेट नहीं मांग रहे हैं सर, हम 20 अप्रैल तक आप टाइम ले लीजिए, डेट दे दीजिए।
20 अप्रैल आप तक अपना भी काम करो, आप अपना पढ़ाई करिए, आप मई में एग्जाम होगा, मई में आप तैयारी करिए। हम अपना सिर्फ पढ़ाई करेंगे तो आप तो हमको शिक्षक भर्ती से बाहर कर देंगे, हमको बिल्कुल बहुत अच्छे से पता है। देखो मेरा मेरा टारगेट शिक्षक भर्ती लेके नहीं है सर, आपका टारगेट शिक्षक भर्ती लेके नहीं है, लेकिन आपका टारगेट ये होना चाहिए कि हम समय से अपने छात्रों का सेशन पूरा करें। शिक्षक भर्ती अभी अभी हो रही है कि नहीं हो रही है किसी को नहीं मालूम है, आप लोग अपने से कल्पना बना लिए शिक्षक भर्ती हो रही है। सर तो इस बात की कौन गारंटी देगा कि नहीं आएगी शिक्षक भर्ती? आप फेल हो गए तब क्या करोगे सर? हमको भविष्य में जो है उसको भविष्य में ही रहने दो, वर्तमान में जियो, वर्तमान में। हम फेल हो गए सर तो वो मेरी जिम्मेदारी होगी ना, मेरी गलती होगी और हमारा एग्जाम। अच्छा, आप नहीं बात मत करिए, रखिए आप जो है, नहीं हम आपसे बहस नहीं करना चाहते, आपको बता। हेलो हेलो, हाँ जी, हाँ सर, ये कह रहे हैं कि जिला अधिकारी सर ने आप कहा है, आपसे बात हो गई है, डीएम साहब से भी मेरी बात हो गई है, तो सर आपने कुछ स्पष्ट तो कहा नहीं, फिर उसी तरह जिस तरह हमने उनको बता दिया है कि मई में परीक्षा होंगी, और क्या बताएंगे सर? मई में परीक्षाएं होंगी, हमारी डेट शीट तो जारी होंगी ना, मई में आप हम अपने हिसाब से जारी करेंगे, आपके हिसाब से नहीं कि आज आप कह दो आज डेट जारी कर दें तो आज हम जारी कर दें, नहीं जारी आप सर आज लेकिन आगे शेड्यूल देख करके तब जारी करें। सर आप लिखित में दे दीजिए कि मई में एग्जाम कराएंगे, हम लोग शांति से बैठे पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तुम कौन हो मुझसे लिखित लेने वाले? सर हम तो बिल्कुल होते हैं, हम प्रशिक्षु हैं, हमारा बिल्कुल। आप कॉलेज से जाके पूछिए, कॉलेज आपकी जिम्मेदार है, कॉलेज और डाइट से आप जाके पूछिए सर, आप हमसे बात नहीं करने के लिए कॉलेज और डाइट परीक्षा नहीं कराते हो, आप नहीं लगता कि आप स्टूडेंट हो? सर हम बहुत परेशान हैं, हम स्टूडेंट परेशान नहीं हो, परेशान जो मानसिकता तुम्हारी उस मानसिकता में परेशान हमेशा रहोगे।